हेलो एवरीवन, ब्यूटी नाइन में आपका स्वागत है और आज आप देखेंगे कि कलर करेक्टर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कलर करेक्टर होते क्या हैं और उनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे और कौन से कलर्स कौन से प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा, आज हम बात करेंगे कलर करेक्टर्स के बारे में। तो कलर करेक्टर्स एक्चुअली होते क्या हैं? तो दोस्तों, कलर करेक्टर्स आते कहाँ से हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी। आपके स्कूल टाइम में या आपकी पेंटिंग क्लास में या आपकी फैशन क्लासेस में आपने कलर व्हील के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो कलर व्हील जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स से बनता है और सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स प्राइमरी कलर्स से बनते हैं। तो सबसे यहाँ पे जो मेन है वो होते हैं प्राइमरी कलर्स। तो दोस्तों, प्राइमरी कलर्स से हमें मिलते हैं सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मिलाकर बनता है हमारा पूरा कलर व्हील। अब कलर व्हील में जो कलर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो कलर्स एक दूसरे को कट करते हैं। अब दोस्तों, ये जो है थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, अब मैं इसे इजी शब्दों में आपको एलैबोरेट करूंगी कि आप कौन सी आपकी फेस की प्रॉब्लम के लिए कौन सा करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, कलर करेक्टर्स हम मेकअप के पहले यूज़ करते हैं, आप उसे अदरवाइज यूज़ करके अपने फेस की प्रॉब्लम्स की ओर नहीं कर सकते हैं। कलर करेक्टर्स मेकअप का एक हिस्सा है जो हम कंसीलिंग से भी पहले करते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन सा कलर कौन से कलर को कट करता है। तो आज मैं आपको जो है कुछ बेसिक कलर करेक्टर्स का नॉलेज दूंगी कि कौन सा कलर आपके फेस की कौन सी प्रॉब्लम को कट करेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन कंसीलर की। तो मेरे पास जो है ये ग्रीन कंसीलर है, ग्रीन कलर करेक्टर है जो है क्रायलन ब्रांड से। आप चाहें तो पूरी कलर करेक्टर पैलेट खरीद सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। अगर आप सिर्फ अपने यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए अगर आपको कलर करेक्टर चाहिए तो आप इस तरीके से ओपन कॉइन्स भी ले सकते हैं। तो अब जो है ग्रीन कलर करेक्टर हमारी कौन सी प्रॉब्लम्स को दूर करता है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कहीं लोगों के फेस में जो है एक्ने प्रॉब्लम होती है जिसका टिंच जो है थोड़ा रेड होता है, या कहीं लोगों का फेस जो है नेचुरली सेंसिटिव होता है और साथ ही में नेचुरली काफ़ी ज़्यादा रेड होता है, तो ऐसे लोगों को जो है ग्रीन कंसीलर यूज़ करना चाहिए। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा रेडनेस है, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने हैं, या अगर आपकी रक्त वाहिकाएँ जो है दिखाई दे रही हैं, आपकी ब्लड जो वेसल्स होती हैं अगर वो दिखाई दे रही हैं, बहुत लोगों की दिखती हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर हैं तो आपकी जो है रक्त वाहिकाएँ बहुत बार दिखती हैं, तो जो भी रेड कलर आपके फेस पर दिख रहा है ग्रीन उसे ऑटोमेटिकली कट कर देगा। तो आपका कंसीलर या आपका फाउंडेशन लगाने से पहले जो है आपको कलर करेक्टर यूज़ करना है। ये मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रही हूँ, मैं आपको अपने फेस की प्रॉब्लम के हिसाब से मेकअप भी करके दिखाऊंगी। तो ये था ग्रीन कंसीलर के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों, जो हमें सनबर्न होता है, मतलब जो सूरज की किरणों के कारण हमारी बॉडी कहीं बार बर्न हो जाती है, सेंसिटिव स्किन जो होती है, तो ग्रीन कलर जो है उसे भी कट करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं येलो करेक्टर की। तो येलो करेक्टर क्या करता है? अगर आपको एक्सट्रीमली डार्क अंडर आइज़ हैं जिनका अंडरटोन पर्पल है, मतलब अगर आपके अंडर आइज़ जो हैं अगर आपको उसमें थोड़ा सा भी पर्पल कलर दिखता है तो वो येलो कलर कट करता है। साथ ही में येलो कलर जो बहुत ही ज़्यादा डार्क स्किन टोन होती है उनको लाइटन करने के लिए जो है येलो करेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही में अगर आपको कोई जलने का निशान है, आपको फ्रेकल्स हैं, फ्रेकल्स मतलब जो ब्राउन कलर के दाने आते हैं स्पेशली इस पोर्शन में, अगर आपको वो हैं तो वो भी जो है येलो कंसीलर और येलो कलर करेक्टर कट करता है। तो इसके लिए हम येलो कलर करेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑरेंज कलर करेक्टर की। तो यहाँ पर मेरे PAC के इस अल्ट्रा स्टूडियो HD फाउंडेशन पैलेट में है ये ऑरेंज कंसीलर, ऑरेंज कलर करेक्टर। और साथ ही दोस्तों, आपको ये बताना चाहूँगी कि कलर करेक्टर जो है कंसीलर फॉर्म में है मेरे पास, मैंने आपको सारे कंसीलर फॉर्म में दिखाए हैं, तो ये एक कंसीलर का टाइप है लेकिन ये अलग अलग कलर्स में, इसीलिए हम उन्हें कलर करेक्टर बुलाते हैं। तो ये ऑरेंज जो कलर करेक्टर है ये आपके जो अंडर आईज हैं जो थोड़े ब्लू दिखते हैं
उन्हें ये कट करने का काम करता है। तो हम ऑरेंज कलर जो हमारे फेस में बहुत सारे हिस्सों में पिगमेंटेशन आ जाती है, अगर आपको उनमें थोड़ा सा भी ब्लू टिंच दिखाई दे रहा है, अब आपको एकदम ब्लू नहीं दिखेगा, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मेरे अंडर आइज है, मेरे अंडर आइज जो है बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, अगर वो बहुत ज़्यादा डार्क होते तो वो पर्पल साइड पर चले जाते, लेकिन यहाँ पर मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो थोड़े लाइट है, तो ये जो है ब्लू अंडरटोन में आते हैं मेरे डार्क सर्कल्स। तो ऐसे डार्क सर्कल्स के लिए या फिर ऐसे पैचेस के लिए जो आपके पूरे फेस पर हैं, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे ऑरेंज कंसीलर। दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्लू कलर करेक्टर की, जो सॉरी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आज तक मुझे उसकी जो है ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। जितना भी मैंने आज तक काम किया है इंडियन स्किन टोन पर, मुझे ब्लू की ज़रूरत ज़्यादा महसूस नहीं हुई है, क्योंकि ब्लू जो है मतलब इंडियन स्किन टोन पर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इंडियन स्किन टोन पर मोस्टली जो है रेड, येलो, ऑरेंज और ग्रीन का इस्तेमाल होता है। तो ब्लू अंडरटोन जो है आपकी स्किन को थोड़ा ब्राइट करता है और रेडिएंट करता है, इसीलिए हम कहीं दफ़ा ब्लू जो है कलर करेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं रेड कलर करेक्टर की, जो मेरे पास अवेलेबल है। तो ये है रेड कलर करेक्टर। तो अगर आपको कोई भी फेस पर ऐसे मार्क्स हैं जो ग्रीन कलर के दिखते हों, कहीं दफ़ा जो है हमारी नसें भी दिखती हैं जो ग्रीन कलर की होती हैं, कहीं दफ़ा जो है हमारे अंडर आइज जो होते हैं उनका अंडरटोन जो है ग्रीन होता है, तो ऐसे समय पर हम लोग रेड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये थे बेसिक कलर करेक्टर्स जो आपको लगेंगे। इनके अलावा कहीं सारे कलर करेक्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और ये इन्हीं बेसिक जो कलर करेक्टर्स हैं उनके लाइट शेड्स हैं या फिर उनके डार्क शेड्स हैं। तो ये बेसिक कलर करेक्टर्स थे जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी आपके स्किन टोन के हिसाब, आपके स्किन प्रॉब्लम्स के हिसाब से। तो चलिए अब देखते हैं कि मेरे स्किन टोन पर कौन सा कलर करेक्टर जाएगा, और उसके बाद जो है मेरा फेस या मेरा मेकअप कैसे लगता है। आइए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं या आज स्टार्ट करूंगी मॉइस्चराइज़र के साथ, और आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जो भी से ये शेयर बटर मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है और बहुत जल्दी जो है ब्रेकआउट हो जाती है मेरी स्किन ड्राई होने के कारण। तो मैं जो है इस शेयर बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे मेरी स्किन जो है हाइड्रेटेड रहेगी, और ये जो है ऑयली है थोड़ा, एक्चुअली काफ़ी ऑयली है, मेरी स्किन जो है बहुत ही अच्छी हो जाती है इससे। सर्दियों के मौसम में तो स्पेशली मैं इसे अप्लाई करती हूँ। या आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या आपको किसी भी कॉस्मेटिक डीलर के पास जो है मिल जाएगा ये। अब हम बात करते हैं प्राइमर की। प्राइमर के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इनसाइड से ये 3-in-1 प्राइमर, जो कि मेरा फेवरेट है और मैं काफ़ी बार इसे यूज़ कर चुकी हूँ मेरे काफ़ी वीडियोज़ में। ओके दोस्तों, तो अब जो है मैं इस्तेमाल करूँगी ऑरेंज कलर करेक्टर का, क्योंकि मेरे अंडर आइज जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको जो है बहुत ही कम क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि इसका पिगमेंटेशन जो है काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप ज़्यादा लगा लेंगे कलर करेक्टर तो आपका पूरा मेकअप ख़राब होने के चांसेस है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैं शुरुआत बहुत ही कम क्वांटिटी से कर रही हूँ, और मैं इसे अपने अंडर आइज में इस तरीके से जो है लगा लूँगी। और साथ ही मैं थोड़ा सा मैं अपने टी जोन पर भी लगा लेती हूँ, और अपने टेम्पल्स पे लगा लूंगी मैं इसे। और अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। आपको इसे जगह की जगह पर ब्लेंड करना है। आप जो है इसे अपने चेहरे के और किसी भी पार्ट में नहीं लगाएंगे। ब्लेंड करते वक्त मैं कह रही थी,
अब हम चलते हैं फाउंडेशन की तरफ। दोस्तों फाउंडेशन के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्रायलिन का ये पैलेट जो कि है सुपरा कलर और इसी ब्रांड में आता है एक डर्मा कलर। तो यहाँ पर मैं लाई हूँ सुपरा कलर क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और इसका इफेक्ट जो है काफ़ी ऑयली है और सुपरा कलर जो है वो ड्राई होते हैं कलर, उनका टेक्सचर जो है ड्राई होता है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए जो है डर्मा बहुत अच्छा है और सुपरा जो है ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ शेड नंबर FS28 मेरे स्किन टोन के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों इसका भी जो अंडरटोन है इस शेड का वो ऑरेंज साइड में है। और अब मैं इसे इस काबू की ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेती हूँ। और इसके बाद ब्लेंडर की हेल्प से इसे मैं अच्छे से सेट कर लेती हूँ ताकि मेरा जो कंसीलर है वो अच्छे से सेट हो जाए। ये कंसीलर मैं एज अ बेस इस्तेमाल कर रही हूँ अपने चेहरे पर। अब इसके बाद चलते हैं पाउडर की तरफ और पाउडर के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मिस क्लेयर से ये लाइट बनाना पाउडर। दोस्तों आपको अपने अंडर आईज और वो सारे एरियाज अच्छे से सील करने हैं पाउडर से जहां जहां आपने करेक्टर का इस्तेमाल किया है। तो देखिए दोस्तों अब आप देख सकते हैं मेरा फेस जो है एकदम इवन लग रहा है, कहीं भी कोई भी पिगमेंटेशन और कहीं भी कोई भी जो है इनपरफेक्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर येलो कंसीलर सॉरी ऑरेंज कलर करेक्टर से मैंने अपने फेस को जो है करेक्ट किया है और अब जो है मैं अपना ब्रश और लिपस्टिक फटाफट कंप्लीट करती हूँ ताकि मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो जाए। दोस्तों ब्लश मैंने वेट एंड वाइल्ड से जो है इस्तेमाल किया है, वेट एंड वाइल्ड का जो ब्लश है मैंने इस्तेमाल किया है और ये है ओम्ब्रे ब्लश वेट एंड वाइल्ड से। और अब चलते हैं लिपस्टिक की तरफ। लिपस्टिक के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी स्विस ब्यूटी से ये सॉफ्ट मैट लिप क्रीम जिसका शेड है N02 आइकॉनिक न्यूट। और साथ ही में मैं इस्तेमाल करूंगी NYX से ये लिप ग्लॉस जो मुझे बहुत पसंद है और जिसका टिंट जो है पिंक है। दोस्तों ये हो जाने के बाद आज हम इस्तेमाल करेंगे एक नई चीज का मेरे किट में जो मैं कब से लेना चाहती थी और मैंने जो है इस ब्रांड से ट्राई किया है, ये है फेस मिस्ट जो कि है प्लम का,
मेरे पास इसके पहले था जो दूसरी ब्रांड्स का था, बट ये मैं कब से ट्राई करना चाहती थी प्लम ब्रांड से। तो आज हम फेस मिस्ट का इस्तेमाल करेंगे बजाय फेस मेकअप फिक्सर के। ये भी काफ़ी अच्छा है और ये भी आपके मेकअप को फिक्स करता है, बट हाँ मेकअप फिक्सर जैसा नहीं। अगर आप मेकअप फिक्सर नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने फेस पर, तो आप उसकी जगह पर जो है ये मिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ब्रांड भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ मैं अब तक ये। ये है ग्रीन टी फेस मिस्ट और साथ ही में दोस्तों बहुत ही फ्रेश करता है ये आपके फेस को। तो अब इसे सूखने के लिए जो है थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा फेस मिस्ट जो मैंने एज स्प्रे इस्तेमाल किया था वो सूख चुका है और मेरा फेस एकदम इवन स्किन टोन लग रहा है इस वक्त। मेरे जो भी डार्क सर्कल्स हैं, जो भी मेरे फेस के पिगमेंटेशंस थे, वो ऑरेंज करेक्टर की हेल्प से मैंने दूर कर दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।